दोस्तों ये कैसियो का कैलकुलेटर है, ये देखिए काम तो कर रहा है सारे बटन वगैरह। जैसे ही हम यहाँ पे उंगली रख देंगे, ये देखिए उंगली रखतों के साथ ही ये बंद हो गया। इसका मतलब ये सेल से नहीं चल रहा है, खाली सौर ऊर्जा से चल रहा है, क्योंकि सौर ऊर्जा की प्लेट है तो सौर ऊर्जा से चल रहा है। और सेल इसके अंदर या तो सेल ख़राब है या सेल पत्ती है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ ख़राब है। तो उसकी पहचान यही होती है, आप सौर ऊर्जा की प्लेट पे उंगली रख ली। अगर हमारा सेल से चल रहा है कैलकुलेटर और सेल हमारा ओके है तो यहाँ पे डिस्प्ले आनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब सौर ऊर्जा हमने बंद कर दिया, तो इसका मतलब या तो सेल ख़राब है या सेल की पत्ती ख़राब है। जो भी है हम देखते हैं इसको खोल कर रिपेयर करते हैं किसके अंदर क्या दिक्कत। देखो ये वापसी आ गया, तो हम इसके दोस्तों दो पेज खोल लेते हैं। तो दोस्तों ये सेल निकाल लेते हैं। एक तो दोस्तों ये पत्ती टूट रही है, इस पत्ती का भी हम सोल्डिंग करते हैं। और एक इसके नीचे कई बार यहाँ पे सेल पे भी देखने में तो सेल सही लग रहा है। दोस्तों जो नीचे की पत्ती है ना वो गल रही है थोड़ी सी, जो नीचे का प्रिंट है, अब हम उसको भी साफ करेंगे। तो दोस्तों हम ये वाली पत्ती हटाते हैं, फिर देखते हैं इसके नीचे क्या है। कि कस्टमर भी कह रहा था ये कभी चलता है कभी नहीं चलता, ये पत्ती हटा दी है। ये देखिए यहाँ से जो ये ख़राब हो रहा है ना, इसकी वजह से भी कई बार इसका प्रिंट भी चेक कर लेते हैं। ये तो सेल देखते हैं, सेल सही है खराब है। सेल भी ओके, तो हम ये वाली पत्ती लगाते हैं। दोबारा सेल लगाएंगे, अभी भी सेल डील आ रहा है।
सकते दोस्तों, इसमें सेल ढील आ रहा था तो ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, इसको नीचे दबा दो तो फिर ये सेल को नीचे प्रेस करके रखेगा। अब इसकी सौर ऊर्जा का तार हटा के देखते हैं कि ये चल रहा है। ये सौर ऊर्जा का हमने तार हटा दिया। अब देखिए दोस्तों, अब ये सेल से भी चल रहा है। ये देखिए, अब ये सौर ऊर्जा का हमने वायर हटा रखी है। अब देखो, हमने इस पर उंगली भी रख ली है। पहले उंगली भी रखने पे बंद हो जाता था, अब नहीं होता क्योंकि हमने सौर ऊर्जा का तार हटा दिया। फिर भी हम आपको उंगली रख के दिखाते हैं। तो सेल के नीचे थोड़ा सा साफ करा, ये पत्ती ना थोड़ी टच नहीं हो रही थी नीचे, सेल को थोड़ा सा उठा के रखी थी। अब ये पत्ती भी यहाँ से हटी हुई थी तो हमने ये भी लगा दिया। अब हम सौर ऊर्जा का तार भी लगा देते हैं। तो दोस्तों, ये सौर ऊर्जा से तो चल रहा था लेकिन सेल से नहीं चल रहा था। तो आपको अगर ऐसी कोई समस्या आए तो आप इसी तरह रिपेयर कर सकते हैं। कैलकुलेटर कोई सी भी कंपनी का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फॉल्ट सब में सेम ही रहता, सेम अगर आएगा तो सेम इसी तरह आएगा। तो दोस्तों, इसके पेज लगा लेते हैं। दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, मेरे दो चैनल हैं, एक फाइंड द सोल्यूशन, MKS फाइंड सोल्यूशन, MKS रिपेयरिंग ज्ञान, दोनों ही मेरी रिपेयरिंग के चैनल हैं। आप दोनों को ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं दोनों पे ही लगातार वीडियो डालता रहता हूँ। ये देखिए, अब हम इसको सौर ऊर्जा पे रख लेते हैं। ये देखिए, अभी भी ठीक चालू कंडीशन में। धन्यवाद दोस्तों।